मैं हूं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं पैसिफिक यूनिवर्सिटी का यूट्यूब चैनल, जहां पर हमारे पैसिफिक विश्वविद्यालय में जो आयोजन होते हैं उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं बराबर। और आज विज्ञान महाविद्यालय की तरफ से यहां पे कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं शिव कुमार जी चौधरी साहब। आप सहायक निदेशक हैं विज्ञान तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली और आप हमारी कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे पधारे हुए मेहमान हैं और आप हमें बताएंगे कि जो तकनीकी शब्दावली आयोग है वो क्या कार्य कर रहा है और उससे हमारे जो स्टूडेंट्स है और हमारे जो नए शोधकर्ता है उनको क्या इसका बेनिफिट मिल रहा है। सर हेलो नमस्कार सुप्रभात आप सभी को। मैं शिव कुमार चौधरी वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली। हम लोगों के आयोग का मुख्य उद्देश्य है हिंदी और भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का विकास करना, उन्हें प्रचार प्रसार करना और उन्हें शब्दकोशों के रूप में प्रकाशित करना हमारे आयोग का ये मुख्य उद्देश्य है। अब तक आयोग ने विभिन्न विषयों में विज्ञान इंजीनियरिंग कृषि मानविकी आदि विषयों में लगभग 7.5 लाख तकनीकी शब्दों का निर्माण कर चुका है और इस प्रकार के सम्मेलनों के माध्यम से प्रयोक्ताओं तक अपने शब्दों को प्रचार प्रसार करने और प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। थैंक यू सर। और आपने जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया है और सर इसके अंदर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, सो सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो इस टाइप की कॉन्फ्रेंसेज आप अलग अलग जगह कराते हैं तो आपका उद्देश्य यहाँ पे क्या रहता है, प्लस जो आजकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि मैक्सिमम जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं और इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस भी हैं तो वहाँ पर हिंदी कहीं ना कहीं अपना रोल कम अदा कर पा रहा है और जो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में और हिंदी में बच्चों को टेक्निकल वर्ड्स में बड़ी दिक्कत आती है, तो आप हमें कुछ एग्जांपल्स के तौर पे बताइए कैसे वो शब्द के निर्माण किए जाते हैं और क्या प्रोसेस होता है आपका शब्दावली आयोग का। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जो 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन पेस्पिक विश्वविद्यालय उदयपुर में आयोजन किया गया है, इस आयोजन में हमने लगभग 100 प्रतिभागियों को आमंत्रित किया है और 10 व्याख्यानदाताओं को भी आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम में हम लोगों को हरित रसायन के संबंध में आयोग द्वारा निर्मित तकनीकी शब्दावली के बारे में बताएंगे और उसके प्रयोग में आने वाली समस्याओं का निराकरण ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से करते हैं। तो हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे क्षेत्रीय जगहों से जो छात्र विद्यार्थी आते हैं उन्हें प्रथम वर्ष की पढ़ाई में अपनी पूरी ऊर्जा भाषा को समझने में लगा देनी पड़ती है क्योंकि ज़्यादातर विज्ञान की पढ़ाई अंग्रेजी में होती है, इसके कारण लोकल एरिया से आने वाले छात्रों को समझने में काफ़ी परेशानी होती है। इस परेशानी से निपटने के लिए हम छात्रों को उसकी भाषा में अगर उसके पाठ्य को पढ़ाएं तो उन्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। इस उद्देश्य के पूर्ति के लिए हम लोग उनकी भाषा में तकनीकी शब्दों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हमारे पास ग्रीन केमिस्ट्री की बात करते हैं, वहाँ पर आयोग ने हरित रसायन बनाया हुआ है या उसके जगह स्वच्छ रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से काफ़ी तकनीकी शब्द हैं जिसमें पर्याय बनाने में समस्याएँ आती हैं, लोगों को समझने में समस्याएँ आती हैं। शुरू में ये शब्द कठिन लगते हैं लेकिन प्रयोग करते करते रोज़मर्रा के कार्यों में प्रयोग करते करते ये शब्द आसान दिखाई पड़ने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर दूरदर्शन, केंद्रीय सचिवालय, ये शब्द आज इतने प्रचलित हो चुके हैं कि लोग अपने कार्यों में बहुत आसानी से प्रयोग कर रहे हैं, इन शब्दों के प्रयोग में कोई कठिनाई नहीं आ रही है। थैंक यू सर। और एक मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि आपने पैसिफिक विश्वविद्यालय के अंदर जो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है सर, यहाँ के विश्वविद्यालय का माहौल और यहाँ के जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में प्लीज़ आप बताएं कि कैसा है विश्वविद्यालय काम कर रहा है और आपका क्या एक्सपीरियंस है। जब हम इस विश्वविद्यालय में पधारे हमें लगा कि किस तरह का रिस्पांस मिलेगा, लेकिन इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान हमारे सभागार में प्रतिभागियों की संख्या लगभग 100% रही। 100% प्रतिभागियों ने दोनों दिन कार्यक्रम में प्रतिभागिता किया और लोगों ने काफ़ी रुचि से आयोग द्वारा आयोजित इस तरह के सम्मेलन को सराहा और यहाँ के जो स्टाफ है, यहाँ की जो फैकल्टी है, यहाँ का संकाय है, उन्होंने भी काफ़ी सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने शोध पत्र, अपने विषय को प्रस्तुत किया जिसका लाभ प्रतिभागियों को मिला। और यहाँ के जो आयोजक हैं उनका आतिथ्य सत्कार और सारी व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी रही, जिसका जितनी भी सराहना की जाए बिल्कुल कम है और ये लोग काफ़ी बधाई के पात्र हैं जो इस तरह का आयोजन इस विश्वविद्यालय में किया गया।
आगे भविष्य में जब भी इस विश्वविद्यालय को जरूरत पड़ेगी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली आपको पूरी तरह सहयोग प्रदान करेगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि आपके द्वारा जो दिया गया ये इन्फॉर्मेशन है, ये जो आने वाले शोधकर्ता है और जो बहुत सारे स्टूडेंट्स साइंस में अपना, विज्ञान में अपना करियर बना रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच सर, और ऐसी कॉन्फ्रेंस आप हमारे यहाँ कराते रहिए। थैंक यू।